Hi, good morning students. How are you all? I hope you all are fine. Before we start our class, let's have a prayer. So all of you stand up, join your hands, close your eyes, be ready for the prayer. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Yes, my dear students, welcome back to our maths class. And today we are going to learn addition. And we have already learned this. Yes or no? हमने addition सीख लिया ना? जी हाँ. और today we are just revising. Okay, students? So all of you look at the board. Addition. And what is the meaning of addition? जी हाँ, ऐड करना यानी ज्यादा करना. तो यहाँ पे 5 प्लस 3 कैसे आप ऐड करेंगे? यस, यहाँ पर 5 है. यू हैव टू ड्रॉ 5 लाइंस. 1 2 3 4 5. नाउ डाउन नंबर 3, सो 3 लाइंस. नाउ यू हैव टू ऐड दिस ऑल. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 5 plus 3 8. Addition बोलो, ये देख, plus देखा ना यहाँ पे plus. Yes, ये sign जो है addition की sign है. और जो ये sign दिखेगा तो वहां पे आपको बढ़ाना है numbers को, ठीक है ना? जो पहले वाला number और नीचे वाला number दोनों count करके जो number मिलते हैं वो आपको नीचे लिखना है. नाउ 8 प्लस 1, 8 लाइंस यू हैव टू ड्रॉ. यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1. नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 8 प्लस 1 9. 4 प्लस 3, जो भी ऊपर का है वो ऊपर कितना है वो काउंट करो. 4 एंड 1 2 3, फिर दोनों मिला के काउंट करने का. तो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर 7. 4 प्लस 3, नंबर 7. 6 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6. 1 2, count 1 2 3 4 5 6 7 8, number 8. 6 plus 2, number 8. Okay students, easy है ना? तो what we learn today? Addition. आज हमने क्या किया? Addition करना. Addition यानी plus, बढ़ाते जाना. अगर आपके पास 5 लड्डूस है और आपके पापा ने आपको 2 मोर लड्डूस दिया तो कितना हुआ? 5 प्लस 2, फिर काउंट करने का 1 2 3 4 5 6 7. तो 5 प्लस 2 कितना हुआ? 7. अभी आपकी दादी ने आपको 3 चॉकलेट्स दी और आपकी मम्मी ने आपको 3 और चॉकलेट्स दी तो कितना हुआ दोनों मिला के? 1 2 3 4 5 6. अभी आपके हाथ में कितना है? यस, 6. यानी ऐड करना है. अभी आपकी भाई ने आपको 2 चॉकलेट्स दिया, पापा ने 1 चॉकलेट दी, मम्मी ने 2 चॉकलेट दी, है कि नहीं? तो वो सब मिला के काउंट करूं तो कितना होता है? पापा ने 2 दिया, मम्मी ने 2 दिया, भैया ने 1 दिया. तो 2 2 4 और 1 5, है ना? जो भी आपके पास होगा, बहुत सारे चॉकलेट्स दिए होंगे किसी ने भी आपको, या बहुत सारे गिफ्ट दिया होगा. ए सपोज आपकी बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं तो आप काउंट करते हैं ना? मम्मी बोलेंगे या पापा बोलेगा कि बच्चा आप काउंट करो कितना गिफ्ट मिला है आपको, तो आप काउंट करते हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, है कि नहीं? हाँ, यानी गिफ्ट्स भी है जो आपके पास, जितने भी चीज होते हैं उसको काउंट करना है, ज्यादा करना है, उसको एडिशन बोलते हैं.
तो ये आपको समझ में आ गया ना अच्छी तरह बच्चे? यस। सो अभी क्या करना है? यस, टेक आउट योर स्क्वायर नोटबुक एंड यस रिविजन करने का, यानी आपको प्रैक्टिस करने का इसका। ओके, सो राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, बाय।